महिलाओं के अधिकार के लिए सदियों से ये समाज लड़ता आ रहा है, जिसमें पुरुष भी शामिल हैं और महिलाएं भी। लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं। ऐसा लगने लगा है कि अब पुरुषों के अधिकार के लिए लड़ना ज़्यादा ज़रूरी लगने लगा है। वो कहते हैं ना कि जब किसी को कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है किसी भी तरीके की, तो कई बार वो उसका मिसयूज़ करने लगते हैं लोग। ठीक उसी तरीके से महिलाओं को जितने अधिकार मिले हैं, बहुत सारी महिलाएं उनका मिसयूज़ करने लगी हैं। जैसे कि कानूनन जो कानून बनाए गए थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनका भी वो फ़ायदा उठाने लगी हैं कुछ महिलाएं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। ऐसी महिलाएं दूसरों के पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार रही हैं अपने साथ, उन्होंने दूसरों के भी रास्ते बंद कर दिए हैं। किसी भी चीज़ का अगर सदुपयोग होता है वो तब तक ही ठीक है, जब उसका दुरुपयोग होने लगता है तो एक ना एक दिन वहाँ बदलाव ज़रूर होता है। पुरुषों की सुनने वाला आज कोई नहीं रह गया। शादी होती है, बड़ी खुशी खुशी शादी की जाती है, और कुछ ही टाइम बाद पता चलता है कि लड़की का कहीं अफेयर था। अब लड़की लड़के पर दबाव डाल रही है कि मुझे डिवोर्स दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स और सबके खिलाफ केस डाल दूंगी। लड़का घबरा जाता है, सारा परिवार डर जाता है, भाई पुलिस कोर्ट कचहरी से किसे डर नहीं लगता। चलो किसी तरीके से ये भी सोच लेते हैं कि छोड़ो ऐसी लड़की के साथ क्या रहना जो ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज है। अब बात आती है पैसा चाहिए, खाली तो हो जाएगी नहीं। अब वो आप पे, जिसने अपनी पूरी शादी में 10 लाख खर्च नहीं किए हुए थे, वो बिल बनाता है 25 लाख का, कोई बनाता है 30 लाख का, कोई 50 का, कोई करोड़ मांगने लगता है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक चवन्नी खर्च नहीं की और वो कहते हैं इतने पैसे दो नहीं तो तुम्हें तो हम जेल की हवा खिलाएंगे। ज़रा सोचा है कि इस दुनिया में हम कितने दिन के लिए हैं? इंसान पाप से डरना ही बंद हो गया है। वो तो ईश्वर ने सबको इक्वली ट्रीटमेंट दिया है, ईश्वर ने सबको एक समय दिया है कि इसके बाद सबको मर जाना है, सबको पता है एक दिन हमें मर जाना है, उसके बावजूद ऐसे महापाप से लोग डरने को तैयार नहीं, रुकने को तैयार नहीं। मैं तो सोचती हूँ कैसी आत्मा है इनके अंदर जो मर गई है, इतने विवेकहीन जी रहे हैं। जो कुछ है बस आज है, पैसा आना चाहिए कैसे भी आए। ऐसा मत करो यार, अंत समय में सांस भी ठीक से ना निकले, ऐसे कर्म क्यों कमाने हैं? विचार कीजिए प्लीज़, ऐसा मत कीजिए। ऐसे पुरुष जो पीड़ित हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं होता कि हमेशा पुरुष ही गलत होता है, सारे पुरुष गलत नहीं होते, और हर पुरुष अत्याचारी नहीं होता है भाई, और हर महिला विनम्र नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं अत्याचार नहीं करती, मुझसे तो कितने सारे लोग अपनी परेशानी शेयर करते हैं, कितने पुरुष इस अत्याचार से पीड़ित हैं। अब देखो वो गलत करते थे उनकी बारी आई, आप गलत कर रहे हैं तो बारी आपकी भी आएगी। ठहर जाइए, दूसरों का भी रास्ता बंद कर रहे हैं आप, ऐसा मत कीजिए। इस मैसेज को सीरियस लीजिएगा प्लीज़, सीरियसली लीजिएगा प्लीज़। समाज बच जाएगा, हमें इसी समाज में रहना है, इसे गंदा मत कीजिए प्लीज़, मत कीजिए प्लीज़, मत कीजिए।